हेलो दोस्तों, कागनिया से मैं विनीपा फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सॉलिड बिल्ड क्वालिटी वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी, ये है टाटा नेक्सॉन, जिसमें दोस्तों आज हम एक्सप्लोर करेंगे इसके एक्सेट प्लस वेरिएंट को और देखेंगे क्या कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। ये गाड़ी पेट्रोल एंड डीजल पे आती है, मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक्स मिल जाएंगे। अगर इस गाड़ी का प्रेजेंट कम एक्सरूम कॉस्ट की बात करेंगे तो मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल का है 10,09,900 रुपीज़, जो कि ऑटोमेटिक में हो जाएगी 10,74,900 रुपीज की। डीजल मैनुअल आ जाएगा 11,39,900 रुपीज, जो कि ऑटोमेटिक में हो जाएगी 12,04,900 रुपीज की। तो चलिए दोस्तों एक्सप्लोर करते हैं इस गाड़ी को। सबसे पहले हम देखते हैं इसका फ्रंट लुक, तो थोड़ा सा पास चल के आपको इस गाड़ी का फ्रंट लुक चेक करा देते हैं, जिसमें देखिए रेडिएटर ग्रिल जो आप चेक कर रहे हैं ये मिल जाएगी पियानो ब्लैक फिनिश की। इसके अलावा नीचे की तरफ आप जब देखेंगे तो ये देखिए इसमें ट्राई एरो बीम डिजाइन दिया हुआ है और स्किड प्लेट सिल्वर कलर की दे रखी है, जो कि इस गाड़ी को फ्रंट से देखिए बोल्डर बना रही है। चलिए चेक करते हैं इस गाड़ी के लैंप्स। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे प्रोजेक्टर हेड लैंप्स। देखिए ट्राई एयर बीम पे ये इंडिकेटर्स दे रखे हैं, इनको जब मैं ऑफ कर दूंगा तो यही इंडिकेटर्स फ्रंट के डीआरएल लाइट्स बन जाएंगे। हैलोजन रिफ्लेक्टर हाई बीम लैंप दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ जब चेक करेंगे तो इसमें फॉग लैंप्स भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देख लिया टाटा नेक्सॉन एक्सेट प्लस को फ्रंट से। चलिए चलते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल को एक्सप्लोर करने। ये देखिए दोस्तों वन फ्रेम व्यू आपके सामने है, यहां से आप इस गाड़ी को चेक कर सकते हैं। 3393 mm की इसकी लेंथ है, यानी 4 मीटर से कम ये गाड़ी है और इसमें बहुत ही बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 209 mm का। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल के फीचर्स की, तो बढ़ते हैं इसके व्हील्स की तरफ। यहां पे देखिए आपको मिल जाएंगे डायमंड कट एलॉय व्हील्स, ये डुअल टोन कलर के एलॉय व्हील्स आपके सामने हैं। बाकी अगर हम इसके टायर सेक्शंस की बात करेंगे तो 215/60R16 इंच के दोस्तों ये व्हील्स दिए हुए हैं। और चीजें दोस्तों चेक करते हैं तो ये देखिए इसकी जो विंडो लाइन है दोस्तों, ये कलर मैं आपको दिखा रहा हूं डाइटोना ग्रे में, और यहां पे विंडो बेल्ट लाइन व्हाइट कलर की होने की वजह से देखिए ड्यूअल टोन का साइड से इफेक्ट दे रही है। चलिए और चीजें देखते हैं, तो इसके जो आउटसाइड मिरर्स हैं ये आपको मिलेंगे पियानो ब्लैक फिनिश में, उसी में साइड के टर्न इंडिकेटर्स दे रखे हैं और डोर्स पे नीचे तरफ देख लीजिए मोल्डिंग्स दी हुई है, जो कि इस गाड़ी को स्क्रैचेस से बचाती हैं। तो दोस्तों यहां पे अब थोड़ा सा और पीछे की तरफ चलते हैं, सी पिलर इसका चेक करा दे तो देखिए यहां पे डिजाइनर सी पिलर दे रखा है और टॉप पे देखिए तो आपको रूफ रेल्स भी इस गाड़ी पे मिल जाएंगी। तो दोस्तों हमने चेक कर लिया इस गाड़ी को साइड से, चलिए चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल को एक्सप्लोर करने। और ये देखिए ये है इस गाड़ी का बैक लुक आपके सामने। दोस्तों यहां पे भी देखिए इसकी जो टेल गेट गार्निश है बहुत ही खूबसूरत है, व्हाइट कलर और पियानो ब्लैक फिनिश की ये गार्निश रखी है, डिजाइन पैटर्न आपके सामने है। दोस्तों बैक से भी यहां पे आप चेक कर सकते हैं ड्यूअल टोन का ये देखिए लुक दे रही है। इसके अलावा बंपर्स आप देख लीजिए, मस्कुलर बंपर्स हैं जिसमें मिल जाएंगे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर, साथ में देखिए यहां पे कैमरे के लेंस को भी प्लेस किया है। रियर वाइपर डिफॉगर ये वेरिएंट में आता है। इसके अलावा टॉप में देखेंगे तो सार्फिन एंटीना भी देखिए इसमें मिल जाएगा। ट्राई एरो बीम पैटर्न पे एलईडी टेल लैंप्स दे रखे हैं, जिसमें देखिए कुछ बल्ब भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों कंप्लीट एक्सटीरियर एक्सेट प्लस को मैंने आपको चेक करा दिया, आप चलिए चलते हैं और देखते हैं इसकी कीज। तो ये देखिए टाटा नेक्सॉन एग्जिट प्लस में यहाँ पे आपको स्मार्ट कीज मिल जाएंगी, ये दो इमरजेंसी की दे रखी हैं, इनमें से एक की अगर स्मार्ट की आपके पास में है तो यहाँ पे देखिए एक स्मार्ट एंट्री बटन है, इसी से आप गाड़ी लॉक कर सकते हैं। देखिए मिरर्स अपने आप बंद हो गए लॉक के टाइम पे, और जैसे ही अनलॉक करेंगे ये देखिए ओपन हो गए, तो ये ऑटोमेटिक मिरर्स मिल जाएंगे। अब चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं एग्जिट प्लस वेरियंट को। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का इंटीरियर थीम आपके सामने, डुअल टोन इंटीरियर दोस्तों इसमें आपको मिलता है पियानो ब्लैक फिनिश का। देखिए स्टीयरिंग पे यूज़ है, यानी इसका स्टीयरिंग ज़्यादा देखिए ग्लॉसी है, प्रीमियम लग रहा है। बाकी डोर पैनल्स भी अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये देखिए ग्लॉसी फिनिश दिया हुआ है। इवन यहाँ पे अगर हम इसके ट्रिम्स की बात करेंगे तो देखिए फैब्रिक इंसर्ट है, सॉफ्ट ट्रिम्स है, तो ये भी प्रीमियम बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कुछ स्पेसेस मिल जाएंगी, अम्ब्रेला होल्डर दे रखा है, स्पीकर्स एंड ट्यूटर्स लगे हुए हैं। तो दोस्तों हमने चेक कर लिया इस गाड़ी को। यहाँ पे इंटीरियर थीम की बात हो गई, अपोस्ट्री की बात करते हैं। उससे पहले ज़रा मैं इन कीज़ को रख देता हूँ इसके अंदर, स्मार्ट कीज़ हैं तो बस कीज़ गाड़ी के अंदर होनी चाहिए। और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दे रखा है, जो कि देखिए इस तरफ प्लेस्ड है, तो कीज़ बस गाड़ी के अंदर है। तो यहाँ पे
आप इसको प्रेस करिए, इग्निशन ऑन हो जाएगा, क्लच को प्रेस करके बटन प्रेस करते तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अपोस्ट्री आपको चेक करवा दूँ, ये देखिए ब्लैक रंग की अपोस्ट्री है, ट्राई एरो बीम, इसमें भी आप डिज़ाइन चेक कर सकते हैं, फैब्रिक मटेरियल यूज़ किया गया है, हाइट एडजस्टेबल, ये देखिए हाइड्रोलिक हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट मिल जाएगी। चलिए अब आ जाते हैं, जरा हम सबसे पहले आपको उसका बूट चेक करवा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा है। अब ये देखिए ये है इस गाड़ी का बूट स्पेस आपके सामने, 350 लीटर का दोस्तों नेक्सॉन में बूट में स्पेस मिल जाता है। बूट लैंप भी देखिए यहाँ पे प्लेस किया गया है और स्पेयर व्हील जो है वो रखा है इस फ्लैप के नीचे। और यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसके स्पेयर व्हील को, जो कि दोस्तों देखिए स्टील पे है, बाकी व्हील्स अलॉय से हैं बट यहाँ पे ये स्पेयर व्हील स्टील पे मिलेगा। अगर आप लगेज स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोविज़न है 60-40 स्प्लिट सीट्स का, ये डिटैचबल है, इसको हम हटाना चाहें पार्सल ट्रे को हम हटा सकते हैं, और इसकी सीट को चाहें तो आप पार्ट वाइज बेंड करके बना सकते हैं लगेज स्पेस अपने अकॉर्डिंग। ये सीट पूरी फ्लैट हो जाएगी, यानी क्या करना उसके लिए, ये देखिए अभी पूरी तरीके से ये बेंट नहीं हो पाई है, इसके लिए आपको ये वाला पोर्शन जो है इसको निकाल देना है कुछ इस तरीके से। आप देखिए ये निकल गया, अब हम इसको पूरी तरीके से बेंड कर सकते हैं और ये देखिए पूरा एक फ्लैट सरफेस बन गया। सेम इसी तरीके से आप उधर 60 पोर्शन वाली जो सीट है उसको भी कर सकते हैं और एक प्रॉपर एक्सटेंडेड लगेज स्पेस बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम गाड़ी के केबिन की तरफ, एक्सप्लोर करते हैं बाकी फीचर्स को। तो स्टार्ट करते हैं बैक डोर से, तो ये देखिए बैक डोर ट्रिम आपके सामने है, यहाँ पर भी देखिए फैब्रिक इंसर्ट इस तरह पूरा किया हुआ है और स्पीकर्स लगे हैं और ट्यूटर्स लगे हुए हैं। बाकी इस सेट भी आप चेक कर सकते हैं, कुछ स्पेस दिया हुआ है। बैक सीटिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और सेंटर पे मिल जाएगा ये एक फोल्डिंग आर्मरेस्ट जिसमें दो कप होल्डर दे रखे हैं। चलिए बैठते हैं इस गाड़ी की पीछे की सीटिंग में, देखते हैं कितना स्पेस आपको मिलेगा। तो दोस्तों जब आप इस गाड़ी की बैक सीटिंग में बैठेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो आपको बता दूँ, इस गाड़ी की जो पीछे की सीट्स हैं उसकी जो कुशनिंग है, यानी ये देखिए जो फोम दिया हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही कंफर्टेबल है। इवन आप यहाँ पे जब भी आप गाड़ी में बैठिएगा तो आप भी फील करिएगा इसमें अच्छा थाई सपोर्ट भी दिया हुआ है। लेग रूम की बात करेंगे तो दोस्तों ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है, इसके बावजूद भी देखिए आपको बढ़िया लेग रूम इसमें मिल जाता है। पीछे एसी वेंट भी देखिए ये वेरियंट कवर करता है, तो बैक में जल्दी एसी की कूलिंग फील होगी। और सेंटर हम देखिए तो थोड़ा सा यहाँ पर ऊँचा है, तो अगर कोई सेंटर पर बैठेगा तो डेफिनेटली वो पैर को फैला के ईजिली बैठ पाएगा। ऊपर साइड दिखा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ग्रिप्स चेक कर लीजिए, फोल्डिंग टाइप दे रखी है, सेंटर पे कोई भी देखिए लाइट नहीं है। इस साइड पे भी देख लीजिए जिसमें कोट होल्डर दिया हुआ है इसके ग्रिप में। तो यहाँ पे बैक सेटिंग दोस्तों काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल है। और एक और चीज़ देखिए एज अ सेफ्टी, यहाँ पे देखिए आइसोफिक्स की मार्किंग है, यानी चाइल्ड एंकर सीट्स को लगाने का यहाँ पे देखिए प्रोविज़न दिया हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की साइड पर और देखते हैं बाकी फीचर्स को। दोस्तों ड्राइविंग सीट में बैठने के बाद ये आप चेक कर लीजिए नेक्सॉन एग्जिट प्लस का इंटीरियर, यानी डैशबोर्ड लुक, यहाँ से आपको चेक करा दूँ। इस साइड पे आगे की तरफ आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाएगा, ओपन करिए, इधर बॉक्स है, ये फ्लैप है, इसको ओपन कर देंगे तो देखिए अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। तो ये जो है काफ़ी अच्छा कंफर्ट को बढ़ाता है आर्मरेस्ट। इसके अलावा इस साइड पे अगर हम बात करेंगे इसकी ये डिज़ाइन की, देखिए ट्राई एरो डिज़ाइन है, स्टोन फिनिश आपको यहाँ पर मिलेगा, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत दोस्तों ये पैनल यहाँ पे देखिए लग रहा है। फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा जिसमें ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स दे रखे हैं। ये स्टीयरिंग एडजस्टेबल है, अपने अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये स्पोर्टी भी लगता है। मीटर की बात करेंगे तो देखिए फुल डिजिटल आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट पैनल मिल जाएगा। दो लीवर हैं इस साइड पर, एक ले रखा है और एक राइट साइड पे है, जिसमें इंफॉर्मेशंस जो हैं यहाँ पे प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए नीचे तरफ स्विच हो रही है, यहाँ पे ट्रिप मीटर है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, माइलेज, आउटसाइड टेम्परेचर, इस तरीके की कई सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम तो दोस्तों डेफिनेटली लगभग टाटा की सभी गाड़ियों में बेस्ट इन क्लास आता है, क्योंकि यहाँ पे आपको हार्मन कंपनी का सिस्टम मिल जाएगा। तो कंपनी वाइज बहुत ही बढ़िया है, टच पैनल का ये 7 इंच का सिस्टम दिया हुआ है, 8 स्पीकर्स के साथ है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मिल जाती है। बाकी दोस्तों यहाँ पे चेक कर लीजिए, देखिए नेक्सॉन को लिखा हुआ है। AC इसमें आपको ऑटोमेटिक
वाला मिलेगा, यानी क्लाइमेट कंट्रोल एसी है। सिर्फ टेम्परेचर को आपको सेट करना है, वो टेम्परेचर केबिन पे मेंटेन रखेगा जब इसे आप ऑटो मोड पे कर देंगे। इस साइड पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ बटन्स है, बूट ओपनर है, सेंटर डोर लॉक का बटन है, फ्रंट में जो फॉग लैंप है उसको ऑन करने का ये स्विच दिया हुआ है। अंदर तरफ देखिए तो यहाँ पे आपको कुछ पोर्ट्स मिल जाएंगे, एक तो यूएसबी पोर्ट है, उसके बगल में ऑक्सिलरी पोर्ट हालांकि इसमें नहीं है, देखिए बंद है, और इधर तरफ देखिए 12 वोल्ट का पावर आउट है। तो यहाँ पे आप कोई भी अटैचमेंट, ये देखिए 12 वोल्ट यानी एसेसरी सॉकेट है, इसमें आप लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें ड्राइव मोड्स भी हैं, यहाँ पे तीन ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, सिटी, इको, स्पोर्ट, तो आपने जो भी सेलेक्ट किया। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, देखिए यहाँ पे डिस्प्ले भी कर रहा है, साथ में वॉइस अलर्ट्स भी हैं। तो अगर आपको गाड़ी में अच्छा माइलेज चाहिए तो इको मोड पे रखिए, ज़्यादा पावर चाहते हैं तो स्पोर्ट्स मोड पे रखिए, और दोनों का बैलेंस चाहते हैं तो इसको आप सिटी मोड पे रख के गाड़ी को चला सकते हैं। बाकी ऊपर साइड देख लीजिए तो डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर मिल जाएगा। इस साइड पर देखिए आगे की तरफ ये लाइट दे रखी है, वाइट कलर की लाइट है और सिंगल लाइट मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तो सनग्लास होल्डर मिल जाएगा। सनवाइजर्स के बैक साइड पर दिखाता हूँ तो देखिए वैनिटी मिरर इसमें आता है और इस साइड पर टिकट होल्डर दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें हमने चेक कर ली, अब आपको इसका बॉक्स भी दिखा देता हूँ। तो देखिए ग्लव बॉक्स स्टोरेज जो कि टाटा नेक्सॉन में दोस्तों बहुत ही अच्छी है। देखिए कूल्ड ग्लव बॉक्स है, इल्यूमिनेटेड है, अंदर लाइट लगी है, अच्छा खासा डेप्थ है। और उसका जो फ्लैप है इसमें भी देखिए यहाँ पे आपको कुछ स्पेसेस मिल जाएंगे, जैसे कि कप होल्डर और इधर पेपर रखने के लिए ये देखिए स्पेस दिया हुआ है। तो दोस्तों टाटा नेक्सॉन एक्सेट प्लस वेरियंट, हमने आपको सारे फीचर्स चेक कराए, अब आती है बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी सेफ्टी की। तो दोस्तों यहाँ पे टाटा नेक्सॉन बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी पे गाड़ी बनी है, और सेफ्टी की बात करेंगे तो बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स एज अ स्टैंडर्ड है। ड्यूअल एयरबैग आपको मिल जाएंगे, एक स्टेयरिंग पे है, दूसरा एयरबैग वहाँ पे फ्रंट पैसेंजर के सामने दे रखा है। इसमें ABS है, EBD है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, हिल एसिस कंट्रोल है, रोल ओवर मिटिगेशन है, और भी बहुत कुछ है जो कि सामने स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, आप कर लीजिए चेक। चलिए अब बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की। तो ये पर्टिकुलर गाड़ी दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ मैनुअल ट्रांसमिशन में, लीवर देखिए आपके सामने है, चाहे आप पेट्रोल पे लीजिए या फिर डीजल पे, 6 स्पीड पे आएगा। रिवर्स गियर हम जैसे लगाएंगे, देखिए पीछे का व्यू ये कैमरा दिखा रहा है, बीप जो है वो सेंसर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं, प्रॉपर तरीके से आप इस गाड़ी को बैक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने देख लिया टाटा नेक्सॉन एक्सेट प्लस को, चलिए अब बात करते हैं इसके इंजन की, बोनट ओपन कर लेते हैं यहाँ से। दोस्तों ये आप चेक कर रहे हैं 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जिसका डिस्प्लेसमेंट है 1199 cc का, 3 सिलेंडर पे बना है, मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 120 PS का 5500 RPM पे, 170 Nm का टॉर्क है, 1750 से लेकर 4000 RPM तक माइलेज क्लेम किया गया है अप्रॉक्स 17.2 किलोमीटर पर लीटर में। डीजल इंजन 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज रेवोटॉर्क आता है, 1497 cc का डिस्प्लेसमेंट है, 4 सिलेंडर पर बना है, मैक्सिमम पावर बनाता है 110 PS का 4000 RPM पे, टॉर्क है 260 Nm का 1500 से लेके 2750 RPM तक, माइलेज क्लेम किया गया है दोस्तों अप्रॉक्स 22 किलोमीटर पर लीटर में। सो दोस्तों कैसी लगी आपको टाटा नेक्सॉन का एग्जेक्ट प्लस वेरिएंट? दोस्तों ये वेरिएंट काफ़ी अच्छे फीचर्स कवर कर लेता है, बिल्ड क्वालिटी टाटा नेक्सॉन की बहुत ही अच्छी है, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे एज अ स्टैंडर्ड मिलते हैं। दोस्तों इस गाड़ी के बारे में आपकी क्या राय हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल, थैंक यू।